हेलो एंड वेलकम टू फार्मालिक्स वेयर लर्निंग में थी। बात करेंगे आज करंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ वीडियोस में हमने फार्मेसी की वैकेंसी के बारे में बात करी है। बात करेंगे जुलाई मंथ की जो अपडेटेड वैकेंसीज हैं जो कि आई हुई हैं, जिनके फॉर्म्स अभी चल रहे हैं या फिर जिनके एग्जामिनेशन के कुछ अपडेट आए हुए हैं, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताना चाहेंगे जितने भी एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग फार्मेसी, दी वैकेंसी ऑफ द फार्मेसी एज वेल एज दी प्रिपरेशन अपडेट should get you at time. So let's begin with our first vacancy, जो कि हमारी सफदरगंज हॉस्पिटल में आई हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। रिमेंबर कि ये भाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसी रहने वाली है। लास्ट डेट इसकी 23 जुलाई 2024 होने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का एक कैटलॉग बनाना है और उसको इस ईमेल पर सेंड कर देना है। ये डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव की तरह होने वाला है। इसी तरीके का यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो फॉलो किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेने हैं। वहां पे आपकी अपडेटेड फोटो, अपडेटेड सर्टिफिकेट, साथ ही साथ एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, आपकी डिप्लोमा या फिर डिग्री के सर्टिफिकेट, आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट, जितने भी आपने अभी तक अरेंज किए हैं वो सब आपको यहाँ पर लगाने होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 PCB के साथ में आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड, और आपके इसके साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। देखो, एक्सपीरियंस कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन किसी कैंडिडेट के पास भी एक्सपीरियंस होगा इन डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज, उनको क्या दिया जाएगा भाई, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको फेवर दिया जाएगा। यहाँ पर मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पर 25,000 का आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं, और इसके अलावा आपको दूसरा कुछ भी नहीं अलावेंस यहाँ पे मिलने वाला है। एज की बात करें तो अप टू 40 ईयर की एज दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है सभी फार्मा एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से जो वैकेंसीज थी वो पिछले कुछ सालों में रुकी हुई थी। तो अप टू 40 ईयर का यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। सिलेबस की बात करें तो बी फार्म एंड डी फार्म दोनों एलिजिबल हैं। इसके बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पीडीएफ को खोल सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या कुछ लास्ट डेट है, ये सभी चीज को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी सेकंड वैकेंसीज के बारे में, जो कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत आई हुई है। यहाँ पर जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 70% का कोटा यहाँ पर दिया जाएगा। 11th मंथ की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब होने वाली है। लोकेशन की बात करें तो अम्बाला और देहरादून में आई हुई है। अम्बाला में जहाँ 5 वैकेंसी है, देहरादून में वहीं पर एक वैकेंसी दी हुई है। अम्बाला की जो लास्ट डेट है 12 जुलाई, यानी कि 12 जुलाई से पहले पहले आपको इसको अप्लाई कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। एप्लीकेशन का जो मोड है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। देहरादून के बारे में भी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 28,100 यानी कि टोटल लगभग 28,000 रुपए आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी थर्ड वैकेंसी की, दैट इज राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फार्मासिस्ट जॉब की वैकेंसी है। डेट आपकी 10 जुलाई रहने वाली है। पेमेंट आपका 15,000 जो है वो आपको मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर बी फार्म एंड डी फार्म दोनों ही एलिजिबल है। यहाँ पर गुजरात फार्मेसी काउंसिल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा, यानी कि ज्यादातर आपसे गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ही आपको कंप्लीट करना है। तो इस चीज से आप फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म के नंबर का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो पढ़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को वहां पर माप सकते हैं। इसी के साथ में बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। आजकल मैक्सिमम एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर कोर्स के सर्टिफिकेट जो हैं वो लग रहे हैं, यानी कि CCC या फिर C++ अगर आपके पास है या फिर इससे अबव की भी डिग्री है तो वो आपके चल जाने वाली है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, कोई अदर मोड नहीं है। सिलेबस की बात करें तो जो भी पढ़ाई आपने बी फार्म और डी फार्म में करी हुई है और जो हमारी MCQs की सीरीज चल रही है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आपको सिलेबस के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जितनी अदर इन्फॉर्मेशन है उनको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी फोर्थ वैकेंसी की, जो कि हमारी यूपी UMS की वैकेंसी है। सैफई हॉस्पिटल से ये वैकेंसी आ रही है इटावा से। यहाँ पर 10 फार्मासिस्ट की पोस्ट है ग्रेड 2 के लिए। ग्रेड पे लेवल 5 रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 के साथ बी फार्मा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर एटलीस्ट 50-bedded हॉस्पिटल में उनका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए। बी फार्मा और एम फार्मा के लिए ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं डिजायरेबल है। सैलरी की बात करें तो लेवल 5 का ग्रेड पे होगा 29,200 से लेकर 92,000।
300 जो सैलरी है, जो आपकी पे मैट्रिक्स है वो रहने वाली है। डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एप्लीकेशन की फीस बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 2,360 इंक्लूडिंग जीएसटी, और एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर 1,416 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, यहाँ पर हमने इसको बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे अभी जो इसकी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप जो लिंक है उससे इसकी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को। बात करेंगे एम्स जोधपुर की, जो कि हमारी 2 जुलाई को वैकेंसी आई हुई थी, जितने में भी इसको भरा हुआ है। उन्होंने उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई आप अपनी एलिजिबिलिटी को फिर से वेरीफाई कर लेंगे कि आप यहाँ पर एमएलटी डीएमएलटी आईटीआई, साथ ही साथ डिप्लोमा भी यहाँ पर अलाउड है। बी फार्मा के लिए ये वैकेंसी नहीं थी। साथ ही साथ 5 साल का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे माना गया था ड्रग प्रिपरेशन एंड वायलेशन में, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ये चीज आपको आना चाहिए। इस चीज का जो टेस्ट है वो भी वो करेंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। प्रोसेस की बात करें, यहाँ पर प्रोसेस नहीं, बेसिकली पे स्केल की बात करेंगे तो यहाँ पर 20,000 प्लस 18% एचआरए आपको मिलेगा। डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही तरीके से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इनकी जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है उनको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर झारखंड एसएससी की बात करेंगे तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की टोटल 560 पोस्ट अभी आनी है, यानी कि ये अभी सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों के लिए है। एग्जामिनेशन सितंबर में हो जाएंगे और जो इनके रिजल्ट हैं वो अक्टूबर में आ जाएंगे, यानी कि आपको पता है आपकी तैयारी के लिए आपको कितना जो टाइम है वो मिल रहा है। प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्लस आपके मेडिकल होंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन होगा, सिलेबस वही रहने वाला है हमारे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल हेल्थ मिशन से। तो भाई नेशनल हेल्थ मिशन में 7 नंबर का नोटिफिकेशन बताता है कि फार्मासिस्ट की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वैकेंसी है वो नर्मदा के पास में आई हुई है। इनको क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का पीडीएफ आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाने वाला है। गुजराती लैंग्वेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। स्क्रॉल करते हुए आपको 3rd नंबर पर देखना है कि ग्रेजुएट इन बी फार्म, बी फार्म एंड ग्रेजुएट फार्मेसी काउंसिल बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो डिग्री और डिप्लोमा के साथ में आपको होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अनिवार्य है, और आपकी जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो भी यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। ये आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जहाँ पर आपके अंबाला और देहरादून की हमने बात करी थी। अंबाला में 12 जुलाई इनकी लास्ट डेट होने वाली है और 5 अगस्त इनका डेट ऑफ इंटरव्यू होने वाला है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने खुल जाने वाला है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि भाई फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है बी फार्म और डिप्लोमा इसके लिए एलिजिबल है। 2 वैकेंसी यहाँ पर नहा में है और 1 पुरुषोत्तम में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 28,100 रुपए की जो आपका रिम्यूनरेशन है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। अम्बाला की बात करें तो 2 पानीपत में, 1 यमुनानगर में, 1 टोटल यहाँ पर मिलाकर कुरुक्षेत्र में, टोटल मिलाकर आपको यहाँ पे 5 जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, चलो इसी के साथ नेक्स्ट अगर देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून में भी यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बी फार्म या फिर डी फार्म दोनों के लिए ये एलिजिबल है, लेकिन बी फार्म के साथ ज्यादातर आपको एक्सपीरियंस आजकल मांगा जा रहा है। तो आप जितने भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बी फार्मा के बाद बी फार्मा नहीं किया है तो जरूर से जरूर एक एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। फिर जो रेम्यूनरेशन की बात करें तो 28,100 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल 1 रहने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ नई अपकमिंग वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी पैरेलल में इन सभी वैकेंसीज की जो प्रिपरेशन सीरीज है वो भी चल रही है, आप उनको जरूर से जरूर देखें। अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू फार्मालिक्स फॉर मोर लर्निंग एंड फॉर मोर वैकेंसी अपडेट्स।